नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 25 जनवरी से होने वाली है, लेकिन उससे ठीक पहले पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली के रिप्लेसमेंट को लेकर एक बड़ी बात कह डाली। उन्होंने रिंकू सिंह को टीम इंडिया में शामिल करने की वकालत करते हुए कहा कि रिंकू के बारे में आखिर क्या, उन्हें दक्षिण अफ्रीका में टीम के साथ रखा गया था और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक व्हाइट बॉल के प्लेयर हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ एक T20 के ही प्लेयर हैं। हालांकि इस पर चर्चा होती इससे पहले ही BCCI ने रिंकू सिंह को एक नया रोल देते हुए इस पूरी बहस को ही खत्म कर दिया। असल में भारत के उभरते फिनिशर रिंकू सिंह को इंडिया ए की टीम में शामिल किया गया है, जो 24 जनवरी से शुरू होने वाले दूसरे अनौपचारिक 4 दिवसीय टेस्ट मैच में इंग्लैंड लॉयंस से भिड़ेगी। इंग्लैंड लॉयंस मौजूदा वक्त में अपने 3 और अनौपचारिक टेस्ट दौरे के हिस्से के रूप में भारत का दौरा कर रही है। रिंकू का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड काफ़ी प्रभावशाली है। अलीगढ़ में जन्मे इस खिलाड़ी ने 65 पारियों में 57.57 की औसत से 3109 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं। दूसरी तरफ उनका जो टेस्ट सीरीज में खेलना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि 24 जनवरी से खेला जाने वाला मैच 4 दिन तक चलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच जो पहला टेस्ट है वो 25 तारीख से हैदराबाद में शुरू होगा। ऐसे में वो टेस्ट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। हालांकि अगर वो प्लेइंग 11 में नहीं होते हैं और कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ मांग करते हैं तो फिर रिंकू सिंह सीनियर टीम से जुड़ सकते हैं, हालांकि ये लगभग नामुमकिन ही लगता है। तो क्या टेस्ट टीम में विराट कोहली की जगह रिंकू सिंह को जो है रिप्लेसमेंट में जगह मिलनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।